बीएसपी की मुखिया मायावती ने पीएम मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए कई सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि यूपीएससी बिना पास किए सरकार ने 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों पर भर्ती करने जा रही है। इस फैसले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े होने लगे। ये फैसला विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। इस फैसले के बाद सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक हलकों में इसकी आलोचना भी की जा रही है। मायावती को भी सरकार का यह फैसला रास नहीं है। उन्होंने इस संबंध में जारी प्रेस रिलीज के जरिए कहा कि सरकारी विभागों में डायरेक्ट बिना यूपीएससी परीक्षा के 10 संयुक्त सचिवों की भर्ती साफ करती है कि मोदी पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केवल बयानबाजी और जुमलेबाजी कर रही है, यह एक खतरनाक प्रवृत्ति भी है और केंद्र में नीति निर्धारण के मामले में बड़े बड़े पूंजीपतियों और रईसों के प्रभाव की बढ़ने के आसार बढ़ गए। गैर आईएएस को संयुक्त आय सचिव स्तर पर नियुक्ति की नीति पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इससे एससीसी एसएसटी को इस स्तर पर मिलने वाली प्राथमिकता खत्म हो जाएगी। एसपीएन 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।